हे गाइस, वेलकम टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। हमारे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेक्वेरी में एलिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेसिक हेडिंग H2 टैग ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक डिवीजन लिया है जिसका D1 ये ID है, जिसको मैंने हाइट और विड्थ सेट की है, उसकी 1 पिक्सल ये बॉर्डर दी है और इसको बैकग्राउंड कलर भी दिया है साइन। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिखा है, इस डिवीजन के अंदर ऐसे ही टेक्स्ट लिखा है, दिस इज सम टेक्स्ट इन द डिवीजन। देन ये सेकेंड एक और टेक्स्ट लिखा है, ये पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ इन द डिवीजन। तो ये मैंने P टैग में लिखा है और एक B टैग यूज किया है जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे ये डिवीजन क्लोज कर दिया। देन मैंने 2 बटन्स लिए हैं जिनका ID बटन 1 एंड बटन 2 ऐसा लिया है। तो फर्स्ट आईडी का नेम जो है तो वो रिमूव डिवीजन एलिमेंट, एंड सेकेंड जो है तो वो एम्प्टी डिवीजन एलिमेंट। तो अभी जेक्वेरी में हमारे पास 2 मेथड्स होती है एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो एक मेथड जो है तो वो है रिमूव मेथड और दूसरा मेथड जो है तो वो है एम्प्टी मेथड। तो रिमूव ये मेथड जब हम यूज करते हैं ना, तो इससे डिवीजन के अंदर का डिवीजन जो है तो वो पूरा का पूरा डिवीजन के अंदर का जितना कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाता है और वो पूरा डिवीजन भी रिमूव हो जाता है। लेकिन जब हम एम्प्टी यूज करते हैं तो सिर्फ उस डिवीजन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ टेक्स्ट इनपुट जो भी लिखा हुआ है, सिर्फ वो रिमूव होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रिमूव डिवीजन एलिमेंट, ये रिमूव है, तो इस रिमूव पे जब क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे जो डिवीजन था वो पूरा का पूरा गायब हो गया। मैं फिर से रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैं रिमूव डिवीजन एलिमेंट पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा का पूरा डिवीजन जो है तो ये ही गायब हो चुका है। और अगर मैं ये एम्प्टी मेथड यूज करती हूँ और एम्प्टी डिवीजन पे क्लिक करती हूँ, तो डिवीजन जो है हमारा डीव टैग, तो ये वैसा का वैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर का जो कंटेंट था, जो हमने ये लिखे हुए थे टेक्स्ट पैराग्राफ बोल्ड, तो जितने भी थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। देखिए, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये एम्प्टी पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर का कंटेंट रिमूव हो जाता है, और रिमूव डिव एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो डिव के साथ उसके अंदर का कंटेंट और मतलब पूरा का पूरा ही जो है तो वो गायब हो जाता है। डिव के अंदर लिखा हुआ जितना भी कंटेंट है वो और डिव रिमूव एलिमेंट से रिमूव हो जाता है, और एम्प्टी से सिर्फ वो डिव के अंदर का कंटेंट रिमूव होता है। तो इस तरह से हम जेक्वेरी में कोई एलिमेंट जो है तो जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।